some great girls came into my life. दो बार ऐसा हुआ, एक आध दो बार आपका दिल भी टूटना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती. मैं गाँव का लड़का हूँ, गाँव में इतनी महंगी गाड़ी नहीं होती. गाँव के लोगों के पास अगर पैसा होता तो वो ट्रैक्टर खरीदते हैं, ये उनके लिए शान की बात है. Who has the ability to call spade a spade, make him a friend. You can't be friends with everybody. गले मिलते हैं और बस, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है हमारे पीछे. ना हमें रोज़ मिलने की ज़रूरत है, ना रोज़ एक दूसरे को मैसेज करने की ज़रूरत है. हम लोग मैसेज में ये नहीं कहते हाय धीरज कैसा है, नहीं करते, वो भी नहीं करता. मुझे बहुत जोर की लगता है ऐसा ही कि मैं जो डिज़र्व करता हूँ वो अभी मिलना मुझे बाकी है. आई हैव दैट सेंसिबिलिटी to call myself stupid when I am stupid. मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, इस एक्टिंग ने मुझे मेरी माँ लौटा दी. चांसेस बहुत कम थे. फिल्म के साथ साथ फिर खामोशियाँ भी आई, जिसमें गर्व शिंदे का रोल मतलब लोगों के आज भी जहन में है, आपने बहुत अच्छे से निभाया. कुछ उसके बारे में बताइए. स्टार प्लस का शो था, बहुत बहुत बड़ा शो था. और मृणाल उसमें मेरे ऑपोजिट थी, मृणाल ठाकुर, और बहुत अच्छी दोस्त है मेरी. हम साथ में उनका पहला शो था और मैं थोड़ा सा बॉडी ऑफ वर्क मेरा था और मैं 2-3 फिल्में तब तक कर चुका था. उसमें रोल मिला था मुझे मराठी का. मराठी गांव का एक वो होता लड़का होता है जो पॉलिटिक्स में आता है, तो उससे बड़ा रगेड सा टफ सा अलग लगता शो था. और मैं आपके जो रियल लाइफ अवतार है उससे काफ़ी अलग था. एक तो मेरा मराठी बैकग्राउंड है नहीं, हम गांव से बिलोंग नहीं करते हैं. हम दिल्ली बॉम्बे में रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन में, बट मैंने बहुत वक्त गांव में भी बिताया. मतलब मैं जब भी हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती थी हम लोग पंजाब चले जाते थे, वहाँ पे खूब. और मैं फार्म पे रहा हूँ, घोड़ों के बीच में रहा हूँ, और आई लव एनिमल्स, आई लव नेचर, तो वहाँ से मुझे वो भी काफ़ी हेल्प हुआ. मतलब ऐसा मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई. हम लोग धूप में शूट करते थे, ट्रैक्टर उसमें मेरा ट्रैक्टर पे एंट्री होती थी मेरी. तो उन्होंने मुझे जो फर्स्ट एंट्री दी उन्होंने मुझे गाड़ी में दी, बहुत स्वैंकी एंट्री दी. एक अच्छी सी सुंदर सी गाड़ी आई और उन्होंने बोला कि आपका कैरेक्टर है, ये है, वो है. मैंने बोला यार, डायरेक्टर को बोला, मैंने बोला कि मैं गाँव का लड़का हूँ, गाँव में इतनी महंगी गाड़ी नहीं होती. गाँव के लोगों के पास अगर पैसा होता तो वो ट्रैक्टर खरीदते हैं, ये उनके लिए शान की बात है. गाड़ी नहीं मत यूज़ करो, वो कैरेक्टर गड़बड़ हो जाएगा. तो उनको लगा कि यार बात में लॉजिक है. तो फिर मेरी प्रोड्यूसर्स थी, वो भी बहुत अच्छी एक्टर हैं, वो खुद भी बहुत अच्छी एक्टर. तो मैंने उनको कहा, मैंने बोला मुझे लगता है कि ये उस पर होना चाहिए. तो उन्होंने बोला तुम ट्रैक्टर चला लोगे? तो बोले हमें मालूम है कि ट्रैक्टर पर होना चाहिए, लेकिन तुम ट्रैक्टर चला नहीं पाओगे. मैंने बोला अरे क्यों नहीं चला पाऊंगा, अब ट्रैक्टर लेके आओ, मैं ट्रैक्टर चला लूँगा, उसमें क्या मंत्र थोड़ी पढ़ने. 15-20 मिनट रेडी, 1 घंटा प्रैक्टिस करूँगा, ट्रैक्टर आ जाएगा रेडी. तो बोले बहुत सारा चलाना पड़ेगा. तो मैंने बोला बहुत सारा चला लेंगे, इंसान ही तो चलाते हैं, ऐसे तो सीखेंगे हम भी. फिल्म सिटी में हाथी गेट पे हम लोग शूटिंग कर रहे थे, ट्रैक्टर आ गया. उस दिन शायद शूटिंग थोड़ी डिले हो गई, दोपहर में ट्रैक्टर आया और मैंने जो इंसान ट्रैक्टर लेके आया मैंने उनको बोला मुझे सिखा दीजिए. तो उन्होंने मुझे 1 घंटे में ट्रैक्टर सिखा दिया. तो मैंने ट्रैक्टर पे हमारी एंट्री हो गई और बहुत अच्छी एंट्री हुई. और मुझे लगता है कि बाद में गाड़ी में भी एंट्री हुई, लेकिन ट्रैक्टर पर पहले एंट्री हुई और बहुत अच्छी एंट्री हुई. तो ऐसे ही आप अपने हर, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हर पड़ाव जो पार आप करते हो, अपना एक पर्सनल पड़ाव और एक जो पड़ाव आपके सामने होता है, वो आप हर प्रोजेक्ट में करते चले जाते हो. हर किरदार के बाद आप करते चले जाते हो. हर किरदार के बाद आप थोड़ा सा फियरलेस हो जाते हो. हर किरदार के बाद नर्वस एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है. हर किरदार आपको कुछ दे के जाता है और कुछ लेके जाता है. शिद्दत से निभाएंगे तो वो आपको 100% कुछ गिफ्ट दे के जाएगा. जैसे हम जब किसी के घर जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, और जब जाते हैं तो एक रिटर्न गिफ्ट आपको मिलता है. तो आप कितने शिद्दत से, कितने प्यार से आए थे और कितने अच्छे से आपका टाइम यहाँ रहा, उस हिसाब से हम आपको एक रिटर्न गिफ्ट देते हैं. तो मैं समझता हूँ कि वो रिटर्न गिफ्ट हर किरदार आपको दे के जाता है और वो बड़ा कीमती होता है, उसको संभाल के रखना पड़ता है. तो ये ना वो बात है कि जो मैं शायद जो एक्टर हैं वो तो समझ जाएंगे, बट मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब बहुत मज़ा आता है. और अगला पड़ाव कुंडली भाग्य. अगला पड़ाव कुंडली भाग्य था। कुंडली भाग्य भी एक चांस की बात थी, हुआ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी अभिनेता बनता है और जो बॉम्बे आता है उन सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त पे एकता कपूर के साथ काम करना ये उनका सपना होता है और मेरा भी था। मुझे ऐसा लगता था कि वही स्टार बनाती है, ये हमारे ये मेरे जहन में था, जो लोगों ने फीड किया होता है वही स्टार बनाती है, और जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी है, सही भी है। ये काफ़ी हद तक नहीं, बहुत ये बहुत सच है कि वो आपको प्लेटफॉर्म देती हैं, वो आपको अगर आपके अंदर कैलिबर है तो वो आपको आपके टैलेंट को यहाँ तक लेके जा सकते हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं। तो अगर आपके अंदर कैलिबर है लगे रहो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, और वही मेरे साथ हुआ। इतना लंबा समय ऑलरेडी बिता चुके थे। तो मैं नागेश कुकनूर जो डायरेक्टर हैं हैदराबाद ब्लूज जिन्होंने डायरेक्ट की थी, उनके साथ मैं एक शो कर रहा था OTT पे, टेस्ट केस। बहुत अच्छा शो था, आर्मी बेस्ड शो था और मेरे दिल के बहुत करीब है वो शो। बहुत अच्छा रोल भी था उसमें आप। हाँ, उसमें मैं, अक्षय ओबरॉय और निमृत कौर हम लोग थे, और मैं बहुत मेहनत की उसके लिए। हम लोग 3 महीना रियल कमांडो के साथ हमारी ट्रेनिंग हुई, और हमारे डायरेक्टर जो थे नागेश कुकुनूर, वो इतने पैशनेट आदमी हैं, मतलब मुझे लगता है कि उनको देख के मुझे ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं। आप बिलीव करोगे, जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, वो हर ट्रेनिंग में हमें देखते थे, हमारे साथ वो सारे ड्रिल्स करते थे जो हम करते थे। एटलीस्ट अगर वो ड्रिल नहीं करते थे तो वहाँ पे खड़े होकर हमको देखते थे। वो हर फ्रेम इतने पैशन से लगाते थे, आशीष, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा लगता था कि उनकी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है इस फ्रेम पे। वो इतने इंटरेस्टिंगली, इतने पैशनेटली लगाते थे। नागेश कुकुनूर से कभी आप मिलेंगे, आप, मुझे लगता है आपको उनका इंटरव्यू ज़रूर करना चाहिए। उनके हर कुर्ते के पीछे ना, हर दिन एक नया कुर्ता पहन के आते थे, तो उनके हर कुर्ते के पीछे एक फिल्म की कोट लिखा होता था। जैसे गॉडफादर का एक रोल था, दोज हु स्पेंड टाइम, इफ़ यू वांट टू बी अ रियल मैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। सो गॉडफादर का वो था, स्कारफेस में था से हेलो टू माई लिटिल फ्रेंड। सो वो पीछे लिखवा के आते, उनके कुर्ते थे, उनके डिज़ाइन, जो भी उनका डिज़ाइन करता है कुर्ते, वो पीछे लिखते थे। इतने पैशनेट थे वो फिल्म्स को लेके और एक्टिंग को लेके और सब चीज़ों को लेके। मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने का, बहुत बहुत मज़ा आया। बहुत पैशनेट इंसान है। मुझे उनका जिस तरीके से उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, मैं उसमें ही उनका फ़ैन हो गया था। सुबह 8 बजे उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया और मैंने बेल किया तो उन्होंने खुद दरवाज़ा खोला। तो दरवाज़ा खोला, मुझे बोले मैंने चाय पियो कि मैं चाय बना रहा हूँ। मैंने बोला जी सर पीऊँगा। तो थोड़ी सी मैंने चाय पी उनके साथ। तो उन्होंने मुझे बोला सीन कर लिया? मैंने बोला जी चलो करते हैं। तो उन्होंने हैंडीकैम उठाया, मैंने अभी आधा ही सीन किया था। उन्होंने बोला कि कूल, परफेक्ट, आई गॉट माई पार्ट। उन्होंने बोला मुझे, मैं जो ढूंढ रहा था मुझे मिल गया, अविनाश, मेरा कैप्टन अविनाश। तो मुझे बोला, ही सेड आई गॉट माई अविनाश, एंड आई वाज सो हैप्पी, एंड आई सेड आई वांट टू डू मोर। ही सेड नो, इट्स फाइन, लेट्स डू इट ऑन सेट नाउ। मुझे इतना मज़ा आया। तो खूब ट्रेनिंग करी उनके साथ, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद जब वो कर रहे थे, उसके बाद मैम ने देखा वो पार्ट। फिर मुझे बालाजी से कॉल आया कुंडली के लिए, और मुझे ऐसा था कि यार तब तक कुछ अच्छा काम होना शुरू हो गया था। मैं हर साल 1-2 फिल्म्स कर रहा था, OTT कर रहा था। तो गॉड वॉज काइंड, अच्छा अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा था। उस दौरान मैंने एक इंटरनेशनल फिल्म करी थी 2014 के अंदर। उसके लिए 6 महीने में जर्मनी में था। जर्मन फिल्म जो थी आपकी थी, द गर्ल विद द इंडियन एमरल्ड। मुझे उससे बहुत सीखने को मिला था। तो मतलब उसके बाद, उस फिल्म के बाद मुझे अच्छा काम मिल रहा था, और मतलब मैं हर साल में 1-2 फिल्म कर रहा था। फिर एक और फिल्म थी ताश, राजू सुब्रमण्यम की। फिर उसके लिए मैं यूरोप चला गया, आया ही था वो फिल्म करके, फिर दोबारा यूरोप चला गया उनकी फिल्म करने के लिए। फिर साउथ की भी फिल्म की है आपने, सोलो, वो बिजॉय नाम भी जी के साथ की थी। वो भी मेरे बहुत दुलकर सलमान और वो थे। तो बिजॉय नाम यार मेरे वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स, बिकॉज अगेन द सेम पैशन, ही कम्स फ्रॉम द सेम पैशन। मनी रत्नम सर के असिस्टेंट थे बिजॉय सर। सो उनका जो पैशन था, उनके साथ मैंने एक और फिल्म करी थी पहले, रश, MTV के लिए थी। और बहुत कमाल की वो भी फिल्म थी। उसमें मेरी कहानी, और इट वॉज बेसिकली एन एंथोलॉजी। और एंथोलॉजीज बहुत बनाते थे वो, अभी भी बनाते हैं। तो 4-5 कहानी जो आपस में जुड़ी होती हैं, तो वो एक बहुत बहुत अच्छा उनका उनकी सिनेमा उनका स्टोरी टेलिंग बहुत कमाल है। तो जब उन्होंने मेरे को बुलाया सोलो के लिए तो मैंने बोला कि देयर इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट दैट आई वांटेड टू डू। तो फिर मैं जब करा तो मुझे करते हुए लगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। छोटा पार्ट था बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब वो फिल्म एडिट पे गई तो विजय सर ने मेरे को रात को एक दिन मैसेज किया कि मैंने यू एस द पार्ट, इट्स इट्स सच अ जॉय सीइंग यू ऑन स्क्रीन। तो मुझे लगा शायद कुछ अच्छा किया होगा लाइफ में कि इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो इन सब लोगों के साथ मैं काम करते करते कुछ ना कुछ सीखता रहा। ये पैशन जो आज मेरा एक्टिंग के लिए है, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑल द ग्रेट पीपल दैट आई हैव वर्कड विद, प्लस वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैं अपने पैशन के लिए सच्चा था। तो मेरी पैशन मेरा कमाई है। आज से 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जब मेरे बाल ग्रे हो जाएंगे तो मुझे लोग ये नहीं बोलेंगे, पूछेंगे कि बेटा आपके पास कितने पैसे हैं बैंक में। मुझे कोई ये पूछने नहीं आएगा। मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अंडर प्ले नहीं करना चाहता हूँ कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, है 100% है, मुझे भी पैसा चाहिए, मैं भी रईस बनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। हैविंग सेड दैट, जितनी ऑनेस्टी से आपने उस पैशन को जिया है, उस क्राफ्ट को जिया है जो आप करना हो, जो जिस पैशन से आप वो काम करते हो, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि वो उसको आप पैसों से नहीं तोल सकते। और मेरे को मज़ा आता है जो मैं करता हूँ, मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। हमारी ना एक मैं अगर आपको फ़ोन बुक दिखाऊँ तो हम क्या करते हैं कि पहले जो इंसान का काम होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद उसका नाम लिखते हैं। हाइपोथेटिकली अगर इफ़ समन इज़ अ प्लम्बर, हम लोग लिखते हैं प्लम्बर संतोष और वट एवर द नेम इज़। तो हम उनका काम पहले लिखते हैं, उसके बाद उनका नाम लिखते हैं। मुझे लगता है हमारी काम से हमारी नॉट एंटायरली बट सम हाउ काम से हमारी पहचान होती है। काम बहुत शिद्दत से करना चाहिए। काम आपका वो बहुत 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 वो है। एकता के बारे में बात कर रहे थे, पहली मीटिंग कैसी रही, पहला इनकाउंटर जो था? मैं तो डरा हुआ था क्योंकि मैंने उनके बारे में काफ़ी सुना था और मैं उनके साथ काम भी करना चाहता था और मैं मुझे उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट भी है। और ये रिस्पेक्ट विदिन 15 मिनट्स लाइफ लॉन्ग रिस्पेक्ट में बदल गई। मैं आज भी मैम को देखता हूँ तो मैं किधर भी हूँ, चाहे मैं वार्ड फंक्शन में हूँ, चाहे मैं मंदिर में हूँ, चाहे मैं किसी पार्टी में हूँ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट पे खड़ा हो जाता हूँ और मैं फिर और कुछ नहीं करता क्योंकि मुझे उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट है। और मैं ये बात बहुत जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ, आई स्वेयर मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। फर्स्ट इंटरेक्शन मेरा पता कैसे हुआ, जब हमें कुंडली की नरेशन के लिए बुलाया गया, आशीष मैम के ऑफिस में एक टेबल है और मैम बैठी हुई थी। और मेरी आदत है कि मैं ना बहुत ज़्यादा करीब जाके नहीं बैठता, मैं थोड़ा मतलब डिस्टेंस पे था मैं। और एक्टर दिमाग तो हमारा चालू रहता है, तो मैं बहुत अलर्ट था और बैठा हुआ था। उन्होंने 5 एपिसोड, और मुश्किल होता है, 5 एपिसोड उन्होंने सुनाए बिना अपने हाथों को मूव किए, बैठे, बिना स्क्रिप्ट देखे, बिना किसी से पूछे। लाइक शी रिमेंबर्स एवरीथिंग इन अ लाइफ। Let me tell you, this is not the only show that is doing. She's doing films also. She's doing TV also. She's doing many other things. उन्होंने 1 घंटे के अंदर जो 5 एपिसोड की हमको नरेशन दी, उससे बेहतर नरेशन मैंने आज तक नहीं सुनी थी। उससे बेहतर नरेशन लिखी भी नहीं हुई थी। मैं स्क्रीन प्ले पढ़ता हूँ, हर आज भी पढ़ता हूँ। आज 5 साल हो गए कुंडली को, मैं आज भी स्क्रीन प्ले पढ़ता हूँ। गाड़ी में बैठता हूँ सबसे पहले स्क्रीन प्ले पढ़ता हूँ। मुझे 1 घंटा लगता है सेट पे पहुँचने में, पढ़ता हूँ पूरा। मेरी टीम के मेंबर हैं वो, मैं पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले पढ़ता हूँ, पूरा डायलॉग पढ़ता हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ। और अगर मुझे कुछ चेंजेस भी करने होते हैं ना, अगर मुझे लगता है कि मैं इस डायलॉग को बेटर बना सकता हूँ, मैं तभी डायलॉग को बेटर बनाता हूँ जब वो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं करता हूँ। अदरवाइज़ लाइन टू लाइन बोलता हूँ क्योंकि मुझे वो लगता है कि उसको चेंज करने की अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको मत करो। और आप चेंज भी आप तभी कर सकते हो जब आपको पता हो कि लिखा क्या गया है। उन्होंने पूरे 5 एपिसोड ऐसे मतलब लाइक शॉक। उस दिन मुझे लगा कि जो इंसान जिस मुकाम पर है उसके पीछे एक वजह है, वो ऐसे ही नहीं है कि बस तुक्का लग गया और हो गया, नहीं, उसके पीछे बहुत सालों का काम है, टीम का काम है, बहुत लोगों का काम है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हैं, बहुत सारा पैशन है। अब ये मजाक नहीं है। उनके बारे में ये बोलते हैं हार्ड टास्क मास्टर हैं, आप क्या कहेंगे? She's a smart taskmaster. She knows when to bank on whom to bank. उनको मालूम है कि ये what will work. She's smart. She understands. She is producers because she understands audience. Very good understanding of the market of उनकी आप promotional strategies देखिए, आप content देखिए उनका जो वो बनाती है। उन्होंने वो कंटेंट वो टाइम पे दिया जब उस कंटेंट को कोई नहीं दे रहा था। लेट मी टेल यू वन थिंग, आज अगर टीवी इतना रिस्पेक्टफुल है कि हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमारी इज्जत होती है। आज आप में हम मेरे सामने बैठे हो और आप मुझे कह रहे हो कि मैं इंटरव्यू लेना, इट्स बिकॉज ऑफ एकता कपूर। सो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर। आई एम व्हाट आई एम इज बिकॉज ऑफ एकता कपूर, बिकॉज मुझे मालूम है कि उन्होंने टीवी को हमारे इंडिया में यहाँ लेकर आए लोग। दैट्स द रीजन आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम, नॉट बिकॉज उन्होंने मुझे सिर्फ मुझे कुंडली दिया है और मुझे काम दिया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने टीवी के लिए कितना कुछ किया हम लोग ये नहीं बोल सकते। ऋषभ लूथरा जो किरदार है आपके दिल के कितने करीब है? और दूसरा बीच में वो इतना प्यार उसको मिला है कि जब बीच में आपको मॉम की तबीयत की वजह से छोड़ना पड़ा, काफ़ी 6 महीने तक आप शो में नहीं थे, तो काफ़ी लोगों ने मिस किया और लगातार टीम को सोशल मीडिया पे हर जगह वो टैग करके बोलते भी थे कि ब्रिंग हिम बैक। इसको कैसे लेते हो आप? ऑडियंस का प्यार किसी भी एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी डू एवरीथिंग फॉर द ऑडियंस, फॉर द पीपल। We are by the people, for the people. ऑडियंस के बिना हम कुछ नहीं। फैंस हमको ऐसे पेडेस्टियल पे लाके रखते हैं, हमें नहीं पता कि हम उस लायक हैं भी कि नहीं, बट बहुत प्यार मिलता है और मैं उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल माई फैंस। आई डोंट कॉल देम माई फैंस, आई कॉल देम माई फैमिली बिकॉज दे वेरी गिविंग। मैं बहुत सारे जो ऐसे एक्टर्स हैं जिनका मैं फ़ैन हूँ या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं फ़ैन हूँ, मैं उनके लिए इतना डेडिकेटेड नहीं हूँ जितने हम फैंस हमारे लिए होते हैं। और बहुत सारा प्यार मिला है कैरेक्टर को, किरदार को, शो को। शुक्रगुजार, आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू ऑल द लव, ऑल द रिस्पेक्ट दैट द इंडस्ट्री हैज़ गिवन मी, ऑडियंस हैव गिवन मी, फैंस हैव गिवन मी। It's great. It's great. उन्हीं फैंस ने जब मैंने लिखा कि मैं मनित भाई के साथ इंटरव्यू करने वाला हूँ, ट्वीट किया मैंने, तो उनका ये कहना था कि उनको बोलो कि अब कुंडली भाग्य से निकलें, उनको हम लीड में देखना चाहते हैं, हालांकि अब तो लीड ही हो आप, और उनको कुछ बड़ा करना चाहिए। हालांकि आपकी कोशिश तो है, आपको हर किरदार में आप अपनी कोशिश कर रहे हो, उनको मालूम होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी एक्सपेक्टेशन आपको लेके बहुत ज़्यादा है। मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो, मुझे मालूम है कि वो बहुत कंसर्न से ऐसे बोल रहे हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे मैं कभी भी पोस्ट करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मुझे बुरा भी लगता है। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे अब आपको थोड़ी सी मेरे बारे में जर्नी को पता है, जब तक मुझे मज़ा ना आ रहा हो मैं काम नहीं कर सकता। मुझे कुंडली करते हुए मज़ा आता है, ये किरदार करते हुए आप मज़ा आता है। आपने मुझसे पूछा कि तुम कितना रिलेट करते हो ऋषभ से, मैं करता हूँ रिलेट, और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऋषभ को इसलिए अच्छा बुरा जैसा भी मैंने निभाया, इसलिए निभा पाया क्योंकि मैंने मेरे लिए फैमिली की उतनी वैल्यूज़ हैं। मुझे लगता है कि बहुत आसान है। अब तक के जितने किरदार निभाए ना आपने, उनमें से ये सबसे आपके करीब है, जो रियल और रील में एकदम करीब है, सबसे करीब है, सबसे करीब है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में बड़ा भाई हूँ, मुझे मालूम है कि छोटा भाई क्या होता है। माई ब्रदर लव्स मी, मुझे मालूम है आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल, आई हैव ऑलवेज बिन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। मेरी मॉम के लिए, मैं डैड के लिए, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, एवरीवन, आई एम वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ देम। फॉर मी फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि वही लोग तो हैं हमारे जिनको हम अपना कह सकते हैं। आज अगर मुझे कुछ किसी भी चीज़ की तकलीफ़ हो तो मुझे मालूम है कि मेरी पूरी फैमिली मेरे पीछे खड़ी है, उनको कोई तकलीफ हो तो मुझे मालूम है कि मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। तो ये जो एक रिश्ता होता है ना, आप भगवान ने कुछ तो सोच समझ के बनाया ही होगा ना, कि मुझे मेरे ही मम्मी डैडी का बेटा बनाया, इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ही नहीं। आपको आपके ही मम्मी डैडी का बेटा बनाया, इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ही नहीं। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है ना, मैं उसके बारे में सोचना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत बेजार है, सोच ही नहीं पाएंगे, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। लेकिन बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जब तक हम इस प्लैनेट पे हैं, प्लैनेट अर्थ पे जब तक हैं, जितना भी हमारा वक्त है वो हमारे परिवार के साथ है। वो परिवार तो परिवार ही होता है यार, फैमिली इज फैमिली। और आपके को स्टार्स का भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। मैं देखता हूँ आपके धीरज के साथ आपकी बॉन्डिंग बड़ी कमाल है, श्रद्धा के साथ आपकी मतलब बहुत अच्छी है। ये अपने को स्टार्स, क्योंकि ये जो ग्लैमर की दुनिया है, फिल्मी दुनिया है, काफ़ी फेक है, रिलेशनशिप्स हर चीज़ बड़ा सुपरफिशियल है। उसमें ऐसे रियल रिलेशंस बना के रखना या सबका एक तरीके से आप पे ट्रस्ट होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे करते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि फेक नहीं है, फेक नहीं है हमारा फिल्म वर्ल्ड। मैं ऐसा नहीं कि मैं फिल्म वर्ल्ड की को बैक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की वजह से सब लोग खराब नहीं है। मैं वो आज बन पाया, मैं अपने पैशन तक पहुँच पाया ऐसे, और मेरे जैसे सैकड़ों लोग कुछ भी कर पाए वो फिल्म वर्ल्ड की वजह से। तो ऐसा वर्ल्ड फेक नहीं हो सकता, उसमें कुछ तो रियलिटी होगी ना, कि हमें हमारी सच्चाई तक लेके जाता है। तो मैं इसको फेक तो नहीं बोल सकता। मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे रॉन्ग रीजंस की वजह से आ जाते हैं, उनको रियलाइज हो जाता है। इफ़ यू आर हियर फॉर अ राइट रीजन, दिस इज नॉट फेक। कुछ अच्छे लोग भी हैं, और हर जगह अच्छे और बुरे होते हैं। हम लोग ज़्यादा थोड़े से, हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा वैसी हो जाती है, क्योंकि हम लोग लाइमलाइट में रहते हैं, ऐसा कुछ है। और बॉन्ड, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आशीष, मैं नकली रिश्ते नहीं बना सकता। ये ब्रो कैसा है, मेरे से नहीं होगा यार, मेरे से नहीं होगा। मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा और मैं निकल जाऊंगा अगर मुझे आप पसंद नहीं हो तो। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं आपको आके बोलूँगा कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगता है कि जिसको आप दोस्त कह रहे हो देन प्लीज़ मीन इट, जिसको आप भाई कह रहे हो देन प्लीज़ मीन इट। अगर आपका छोटा भाई होगा और आपको बोलेगा कि यार मुझे तेरी ज़रूरत है, देन आई एम श्योर आप सारे काम छोड़ के वहाँ चले जाओगे, और आपके भाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो इफ़ यू कॉल समवन अ फ्रेंड, इफ़ यू कॉल समवन अ फैमिली, इफ़ यू कॉल समवन योर ओन, मेक श्योर यू परफॉर्म ऑल योर रिलेशनशिप्स। वी आर वॉट वी आर इज बिकॉज ऑफ ऑल द पीपल दैट वी लिव विद, जिससे उनके साथ हमारे रिश्ते हैं। हम लोग अपने रिश्ते, और मैं अपने लोगों के लिए, मैं अपने लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत, सबको बहुत प्यार करता हूँ। दोस्त मेरे कम है, इंडस्ट्री में बहुत दोस्त कम है, क्योंकि वक्त भी नहीं मिल पाता। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, वक्त भी नहीं मिल पाता। और मुझे लगता है कि पूरी लाइफ में अगर आपके दो भी अच्छे दोस्त होंगे ना, जिनके अंदर जो सही मायनों में आपके दोस्त होंगे, जो आपके शक्ल पे आपको बोल देंगे कि देख तू गलत कर रहा है, मत करना। जैसे मेरे टीचर्स ने मुझे एक दिन बोला, मैं समझ गया। Who has the ability to call spade a spade, make him a friend. You can't be friends with everybody. You can't be friends with everybody. I know 10,000 people. They are not my friends. They are my acquaintances. I say hi to them. I know them. They know me. But it ends there. जिनको मैं दोस्त कहता हूँ, फिर उनमें दोस्ती निभाता हूँ, और वो भी निभाते हैं। धीरज उनमें से एक है। इस प्रोसेस के अंदर, पूरे प्रोसेस के अंदर मेरा, हम लोग रोज़ बात नहीं करते हैं, लेकिन उसको मालूम है कि मैं उसके लिए हूँ। और जब हम कभी मिलते भी हैं तो हम वहाँ से नहीं, और कैसा है ये है, नहीं, गले मिलते हैं, और बस कोई फॉर्मेलिटी नहीं है हमारे बीच में। ना हमें रोज़ मिलने की ज़रूरत है, ना रोज़ एक दूसरे को मैसेज करने की ज़रूरत है। हम लोग मैसेज में ये नहीं देखते हाय धीरज कैसा है, ना नहीं करता, वो भी नहीं करता। जब डैड बना तो भी आप जितने खुश हुए शायद ही कोई खुश हुआ। मुझे बहुत सारे, मैं इवेंट कर रहा था उस दिन जिस दिन मुझे पता लगा, और उसको खुद ही मेरे को आ गया था मैसेज, सुबह में आ गया था मेरे को मैसेज, सुबह 6, 6:30 बजे उसका मैसेज आ गया था मेरे। बहुत प्यारा लड़का है वो, बहुत प्यारा लड़का है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, मेरा छोटा भाई है, मतलब उम्र में मेरे से शायद वो 2 साल बड़ा ही है, लेकिन वो रील वाला जो अवतार है उसकी वजह से बड़ा, और है वो ऐसा, मतलब वो मेरे साथ बड़ा कंफर्टेबल है वो, मैं भी उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। इनफैक्ट सेम विद श्रद्धा एंड अंजुम ऑल्सो, रूही ऑल्सो, संजय ऑल्सो, हम लोग एक क्लोज हैं, बहुत क्लोजली हम एक दूसरे के साथ, हम लोग बहुत एक दूसरे के दुख सुख में हम लोग सब खड़े हैं। हमें ज़रूरत नहीं एक दूसरे को भी ये एहसास दिलाने की ऐसा है वैसा है, हम लोग एक दूसरे, और वो ना अपने आप बन जाता है, वो अपने आप बन जाता है। हालांकि आप वैसे हो नहीं कि सक्सेस या अपनी लाइफ की जर्नी को वैसे तौलो कि किस अंदाज में किस मोड़ पे जा रही है, फिर भी आपका कितने खुश हो आप अपनी जर्नी को लेके? मुझे कॉन्स्टेंटली ये ज़रूर लगता है कि जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करूँगा। जो आपके फैंस को भी लगता है, एक्सटेंडेड फैमिली को। हाँ, मुझे बहुत जोर की लगता है ऐसा ही कि मैं जो डिजर्व करता हूँ वो अभी मिलना मुझे बाकी है। And that is true. और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं, प्रतीक गांधी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, स्ट्रगल बहुत नेगेटिव वर्ड है, चाहे वो टीवी का सेट हो, चाहे वो कमर्शियल ऐड का सेट हो, चाहे वो OTT का सेट हो, फिल्म का सेट हो। मुझे एक्टिंग करने में मज़ा आता है, मैं वही करूँगा, ज़िंदगी भर वही करूँगा। जब लगेगा कि हाँ अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो एक अलग बात है। God has always been kind. मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला, जो मुझे लगता है जो मैं डिजर्व करता हूँ, जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर, मेरे अंदर वो है, मैं ऐसा मानता हूँ, और मैं आई एम सेइंग इट विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी। मैं आई एम नॉट सेइंग इट विद अपर नोज, आई एम सेइंग इट बिकॉज आई नो I have the ability to do what I want to do. कभी ऐसा भी लगता है कि मेकर्स या इंडस्ट्री एक तरीके से एक टैग लगा देती है, अगर आपने टीवी में काफ़ी टाइम काम कर लिया तो उनको लगता है कि ये टीवी वाला आर्टिस्ट है। कई बार कई लोगों से सुना है मैंने कि इस वजह से वो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा ब्लर हो रहा है, अब चीज़ें बदल रही हैं, OTT के आने के बाद तो और ज़्यादा हो रहा है। और क्योंकि मैंने सारे मीडियम्स में काम किया है, मैंने मॉडलिंग से लेके, थिएटर से लेके, फिल्म से लेके, OTT, मैंने सारे मीडियम्स में काम किया, और मेरे को लगता है कि यार मीडियम को समझने की ज़रूरत है। हर मीडियम डिफरेंट है, हर मीडियम में ऑडियंस डिफरेंट है, आप दूसरी डिफरेंट ऑडियंस को कैटर कर रहे हो, अगर आप वो समझ जाओगे बस। मनीत, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, अपनी मेहनत से यहाँ हो। ये कितना इम्पोर्टेंट है कि इंडस्ट्री वाला नहीं हो और आप इंडस्ट्री से बाहर हो, तो आपकी जर्नी कितनी मुश्किल हो जाती है, कितनी किस तरीके से उसको आगे बढ़ती है? यार मैं बताऊं, अगर आपके पीछे लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ देने वाले लोग आ जाते हैं, बट अब नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि फिर आप अपने ही गॉडफादर हो, आप खुद ही अपने बारे में, अपने आप खुद सही गलत, तो फिर आप अपनी गलतियों से सीखोगे, या लोगों की हुई गलतियों से सीखोगे, या जिन्होंने उस जर्नी पे ऑलरेडी चले हैं आप उनसे सीखोगे। द होल आइडिया इज टू लर्न फ्रॉम समवेयर, और अगर आप वाकई सीखना चाहते हो आप किधर से भी सीख लोगे यार, आप किधर से भी सीख लोगे। मैं आपको दिल से बताऊँ, मैं जितना ऑडिशन रूम से सीखा हूँ ना, मैं हर दिन ऑडिशन देता था, नॉट टू गेट सेलेक्टेड, मेरा इतना वो इंटेंशन नहीं थी कि मेरे को जाके सेलेक्ट ही होने, और मैं आई गेट डिसहार्टेड। मैं हर रोज़ घर से जाता था ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि मेरा वो, मुझे एक नई स्क्रिप्ट मेरे लिए मौका थी कि कुछ नया करने का, कुछ नई प्रैक्टिस करने का, मुझे मज़ा आता था, और आज भी मज़ा आता है। मैं आज भी ऑडिशन देता हूँ और मौज से देता हूँ, पूरे दिल से करता हूँ, कभी कभी कोफ्त भी होती है, सच बात बताऊँ कभी कभी जब खराब कुछ होता है तो मुझे कोफ्त भी होती है, पर मज़ा भी आता है। इन जनरल मुझे ऑन एंड ऑफ मुझे मज़ा ही आता है। वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट क्या मानोगे? That I became a better person. That I have the ability to call myself human for right reasons. I have that sensitivity. I have that receptiveness. I have that sensibility to call myself stupid when I am stupid. मुझे कोई आपत्ति नहीं है अपने आप को बेवकूफ़ कहने में जब मैं बेवकूफ़ हूँ। ये समझ मुझे सिर्फ अभिनय से मिली। मैं बहुत सारे खरबोंपतियों को मिला। मैं I'm very passionate about horses. Horses has made me put in touch with a lot of good people. I've traveled. I'm very humble about that. God has given me an opportunity to travel extensively. I have met innumerable people with loads and tons of money, but they did not have sense. They did not have sense. Not everyone. Some of them. मुझे लगता है उनसे मन से बेहतर, and I'm saying it with humility. जिस चीज़ में मुझे अपने ऊपर प्राउड है मुझे है। मैं अपने आप को शीशे में बहुत कंफर्टेबिलिटी देख सकता हूँ और देख के कुछ भी कह सकता हूँ। मैं रात को कंफर्टेबल सो सकता हूँ। मैं अपने माँ बाप का ख्याल रख सकता हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ, सही गलत के बारे में चुनाव कर सकता हूँ। ये मेरी कमाई है। कोई रिग्रेट है? नो, नथिंग एट ऑल, नॉट इवन वन। टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। टचवुड। बिगेस्ट ड्रीम क्या है? क्या अचीव करना चाहते हैं? बहुत कुछ, और वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं, ऐसा भी है। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। इस एक्टिंग ने मुझे मेरी माल उड़ा दी। चांसेस बहुत कम थे। इससे ज़्यादा मैं और क्या मांगूँ? हाउ कैन आई टेल माई सेल्फ दैट आई एम नॉट अ सक्सेसफुल मैन? आई हैव नथिंग टू कंप्लेन। आई एम वेरी कंटेंट। इस दुनिया में मैं शायद अपनी माँ से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करता, किसी से भी नहीं। मैं उनको बचा पाया, ये एबिलिटी मुझे भगवान ने दी, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्लेटफॉर्म को, इस शहर का, अपने अभिनय का, अपने मेहनत का। इसलिए बोलते हैं कोई किरदार छोटा बड़ा नहीं है। आप उसको शिद्दत से निभाओ तो वो कहाँ से कहाँ चला जाए, और वो कब आपको क्या दे देगा आपको नहीं पता। अब ठीक है आंटी जी, थैंक यू। मेरे ख्याल से मैं कहीं पढ़ रहा था ऑपरेशन, उनको ट्यूमर को ऑपरेट करना था, और वो आपकी वजह से डॉक्टर ने मेरे ख्याल मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कभी मेरी वजह से, बट मैं गॉड हैज प्लान्ड एवरीथिंग। आई थिंक we think we are smart, but I think God is much smarter than us, so he has done everything. He decides who will live and who will not. Chances बहुत कम थे। अचानक से this came as a surprise to me and I was shocked. Everyone in the family, she has a very clean lifestyle, very religious and every मतलब always helpful, always go out of her way to help everybody. Very giving to all her kids, me, my brother, my sister, to my dad, whatever. She's very giving in her family also. Very well read. My mom is a very well read person. When I was born, she was practicing law. वही मैं आपसे अब मेरे को मेरा आंसर मिला कि वो कहाँ से है, वो सब मॉम से है, वो पढ़ने वाली और ये सब चीज़। वो बहुत पढ़ती थी। आज भी मतलब मैंने ही मम्मी को बोला, हमारे घर में एक ना पलंग होता था, उस पलंग का उसमें नीचे स्टोरेज बॉक्स होता था, उसमें बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारी किताबें जो मैं नहीं पढ़ पा रहा था कभी। तो मैंने एक दिन वो जब खोला तो देखा बहुत सारी किताबें थी, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने मम्मी ये किताबें किसकी हैं? तो मम्मी ने बोला ये मैं जब पढ़ती थी, जब मैं व्हेन शी वाज नॉट मैरिड, तब की किताबें थी वो मैं सब ले आई। तो मैंने बोला आप क्यों नहीं पढ़ते हो? तो उन्होंने बोला अब वक्त नहीं मिलता। मैंने बोला नहीं अब आप हर रोज़ पढ़ो। तो मैंने उनको आदत डाली कि हर रोज़ आप 1 घंटा पढ़ दो, हर रोज़ आप 1 घंटा। अब वो हर रोज़ 1 घंटा पढ़ते हैं। मेरी मॉम ने रामायण, शिव पुराण, गीता सैकड़ों बार पढ़ चुकी हैं और शी इज सच अ वेल रेड पर्सन दैट उनके पास हर सवाल का जवाब है। सच अ वेल रेड पर्सन, सच अ वेल रेड, मतलब मुझे लगता है कि लॉ से लेके लिटरेचर सब चीज़ इन्होंने पढ़ी। वेरी वेल रेड पर्सन, वेरी वेल रेड। एंड माई फादर इज़ वेरी गुड विद the business, so there was a right combination in my family, and very humble people are, not because they are my parents, and I'm saying very humble people, very thankful for everything, and never complains about everything, never complain about everything. मेरे आपको तो शायद पता है 2012 में हम लोग जो प्रॉपर्टी लिए थे वो हमारा प्रॉपर्टी चला गया, अभी वो टूट गए थे ट्विन प्रिंटर्स वाला, हाँ तो वो भी चले गए, लेकिन मेरे पापा ने मेरी मम्मी ने कभी भी कंप्लेन नहीं की, कभी ये नहीं बोला कि Why us? Why we? कभी कभी थोड़े सैड हो जाते हैं, पर मुझे लगता है कि that's the reason family is there. We all pepper up. We all pep him up. कभी कभी लगता है यार how disheartening it was, कितना, क्योंकि आप अपनी पूरी जीवन की कमाई आप लगाते हो अपने घर के लिए। घर एक बहुत बड़ी चीज़ है बड़े शहरों, खासकर मुंबई, दिल्ली, इसके लिए, और आप देख रहे हो अपनी आंखों से, पूरी दुनिया देख रही है कि उसको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया जाता है। यार हमारे हिंदुस्तान में ना घर घर नहीं होता है, एक इमोशन होता है। जैसे हम लोग गाड़ी खरीदते हैं ना तो हम लोग गाड़ी से अटैच हो जाते हैं, हमारे लिए एक इमोशन है, वो गाड़ी नहीं है, वो एक नॉन लिविंग थिंग नहीं है, दैट इज लिविंग थिंग फॉर अस। हम लोग घर के बाहर स्वास्तिक बनाते हैं, पूजा करते हैं, हम अपने घर को पॉलिश करते हैं, पूरा पेंट वेंट करते हैं, हर दीवार से हम लोग अटैच हैं, अच्छा बुरा सही गलत सब हम लोग यहाँ पर करते हैं। हर दीवार के साथ मेरा एक कनेक्शन है, हर फ्रेम के साथ मेरा एक कनेक्शन है, हर पिलो के साथ मेरा एक कनेक्शन है। इस पिलो ने पोजीशन ले ली है मेरे हाथ की क्योंकि मैं हर बार शायद ऐसे ही बैठता हूँ। तो इन जब इन चीज़ों के साथ मेरा कनेक्शन है तो आप समझ सकते हो कि घर के साथ क्या कनेक्शन हो। बहुत मेहनत लगती है घर बनाने में, जैसे आपने कहा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। इट वॉज एन एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे थे, अच्छे के कारण मेरे पापा ने सोचा कि हम लोग 1-2 घर खरीदते हैं। तो दोनों टावर्स के अंदर हमारे घर थे और अच्छे खासे घर थे, बहुत वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़, वेरी 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 गुड लोकेशन। तो बट ठीक है, अब इन हाइंडसाइट व्हाई आई ऑलवेज बिलीव इन गुडनेस एंड नेवर कंप्लेन अबाउट थिंग्स। अब मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ। घर चला गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरा एक सपना था, जैसे आपको पता ही, मैं फार्म बनाना चाहता था अपना। मैंने अपने आप को हमेशा इन्विजन किया था, एंड मोर देन दैट, एंड आई वांटेड टू गिव इट टू माय पेरेंट्स सो दैट दे कैन लिव देयर पीसफुली। आशीष मैं नहीं बना पाता। व्हाई डू आई कंप्लेन अबाउट कि वो मेरे घर 2 घर टूट गए, मैं ये फार्म नहीं बना पाता। अगर वो नहीं जाते तो मैं ये नहीं बना पाता। और अचानक से जब मेरी लाइफ में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ये ले सकता हूँ, कहाँ से मेरे पास उस तरीके से उतने पैसे आ गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और कब ये हो गया, जब मुझे याद है कि जब वो सब कुछ सारी पेपर वो करके मैं फ्लाइट में बैठ के बॉम्बे पहुँचा और ये मुझे लेने के लिए आया एयरपोर्ट पे, तो मैं गाड़ी में बैठ के सोच रहा हूँ और मैं ऐसे पानी पी रहा हूँ। मुझे लगा कि यार मैंने अपने माँ बाप को ये दे दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, बहुत बड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कर पाऊंगा, मैंने दे दिया। द डे आई गेव माई मॉम, आई सेड मॉम दिस इज योर्स, शी कुडंट बिलीव, शी कुडंट बिलीव। औरतों के लिए घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए शायद, हमारे लिए भी है लेकिन उतना शायद नहीं है, कि हम लोग काफ़ी बाहर रहते हैं फिर हम लोग। लेकिन लेडीज स्पेशली इंडियन, फॉर एन इंडियन लेडी इट्स, घर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट्स द हाउस वेयर शी रेजेज हर चिल्ड्रन, सीज एवरीथिंग, फीड देम, लॉट ऑफ इमोशंस आर अटैच्ड टू इट। तो मुझे लगा कि नाउ शी प्लांट्स एवरीथिंग, एवरी मॉर्निंग व्हेन आई सी हर मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, मैं ऊपर फार्म पे ऊपर खड़ा होता हूँ और सुबह सुबह मैं वीडियो ले रहा होता हूँ मम्मी की। मम्मी प्लांट लगा रही होती हैं, माई डैड ऑल्सो वाटर्स द प्लांट। और मेरे पास दो घोड़े हैं, बड़े कम्फर्टेबल, बहुत कम्फर्टेबल हो गए हैं वो वहाँ पे, तो मैं उनको छोड़ देता हूँ मिट्टी में, छोटा सा मिट्टी। अब मैं वहाँ पे एक मेरा बड़ा मन था एक अखाड़ा बनाऊँ मिट्टी का, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हम मिट्टी में अगर बड़े होते हैं तो हमारी मिट्टी में बहुत दम है। तो मुझे लगता है कि हम, जब भी मुझे लगता है ना मैं यहाँ पे, मेरे को अब तंग हो रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ वहाँ पर, 2-3 दिन चला जाता हूँ वहाँ पर, मैं ठीक हो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ 5 बजे, सारे खेतों का राउंड लगा के आता हूँ, घोड़ों पर बैठता हूँ, नहर पर घूम के आता हूँ। एक वहाँ पे जिप्सी रखी हुई है, ले जाता हूँ उसको, ले काम करता हूँ जाके, घोड़ों को नहलाता हूँ, तो मम्मी पापा के साथ वक्त बिताता हूँ। फैमिली तो पता चला कितना इम्पोर्टेंट है, प्यार कितना इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ लव फॉर यू? इस एस्पेक्ट में ना मैं थोड़ा सा लूज रहा, सच बात बताऊँ, प्राउडली लूज रहा। सम ग्रेट गर्ल्स केम into my life, 2 बार ऐसा हुआ, चीज़ें शायद वर्कआउट नहीं हो पाई। आज भी वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों, मैं बहुत अच्छे दोस्त हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ मैं उनके लिए। ये ज़रूरी चीज़ है, पर मैं ये भी बोलता हूँ कि शायद मैं अपने आप को बनाने में इतना मसरूफ़ था कि मैं उस एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं दे पाया। ये बड़ी सेल्फिश बात भी है मैं कहूँ तो, लेकिन ज़रूरी भी है। प्यार के लिए कभी वक्त नहीं निकला ही नहीं कभी। ऐसे लगा कि और लाइफ में इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं कि मैं कहाँ ध्यान दूँ, नहीं दे पाया। मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बट मुझे लगता है कि प्यार आपको बहुत बेहतर इंसान बनाता है, हर रिलेशनशिप, एवरी रिलेशनशिप दैट यू। और मैं ये भी समझता हूँ कि 1-2 बारी आपका दिल भी टूटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती। काम की वजह से, अपने पैशन की वजह से कहीं ना कहीं आपने अपने आप को एक तरीके से, मैं आपके अगर एक्सटेंडेड फैमिली की वर्ड में बोलूँ तो वो ये होगा कि आपने खुद को हार्म पहुँचाया है। वो आपको जो जिस समय जो चीज़ मिलनी चाहिए वो, उससे आप अपने आप को दूर रखा आपने। पता है मैं आपको बताऊँ, एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। सक्सेस, फेलियर, लव, हेल्थ, पीस, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस टू पे। ये आप मेरी इनेबिलिटी कह लीजिए कि मैं उस एस्पेक्ट के बारे में नहीं सोच पाया, आज भी थोड़ा कम सोचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले रत्ना पाठक शाह, वो बहुत अच्छे इंसान, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कहीं कही थी, तो मुझे याद है उन्होंने बोला कि किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ सेटलमेंट, व्हाट इज़ बीइंग सेटल्ड इन लाइफ। उन्होंने बोला सही वक्त पे पढ़ाई ख़त्म कर लो, सही वक्त पे अपने पार्टनर का चुनाव कर लो, सही वक्त पे शादी कर लो, सही वक्त पे अपने बच्चे हो जाएं, दिस इज़ कॉल्ड सेटल। अगर आप इसका वेट करोगे कि वो 35 साल में मैं घर खरीदूंगा, 40 में मेरे पास 5 करोड़ रुपये बैंक में होगा, उसके बाद मैं सोचूंगा शायद, तो डिसबैलेंस हो जाएगा। लाइफ एक बैलेंस है, वो बैलेंस खोना नहीं चाहिए, और मैं इसका फर्म बिलीवर हूँ, वो बैलेंस खोना नहीं चाहिए। मुझे दिन में 2 बार अगर मम्मी से बात होती है तो कम से कम 1 बार तो ये बात वो कहती हैं, शादी कर ले, कि अब इट्स टाइम, बट एटलीस्ट थिंक अबाउट इट एंड ऑल दैट। सो मैं समझता हूँ कि जब वो होना होगा तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और मैं बहुत वैसे वाला नहीं हूँ, कि ऐसा वाला मैं हूँ नहीं कि ओ कार्ड छपवा के पूरे शहर में पटवाओ। जब मुझे लगेगा कि हाँ यार इनके साथ मैं, ये एक बॉन्ड है। और जैसे आपने मुझसे पूछा कि मन्नत प्यार क्या है, पूरे मायनों में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि प्यार को आप एक्सप्लेन नहीं, मैं अपना तजुर्बा बता सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, जो मेरे को फील हुआ कि प्यार क्या है। जब मैं अपने से पहले मैं उनके बारे में सोचूं, या मैं उनकी नीड्स के बारे में सोचूं, या उनकी खुशी के बारे में सोचूं, तो मुझे लगता है कि फिर मैं प्यार में हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपके पार्टनर के लिए। अभी तक मैं अपने काम के साथ प्यार में हूँ क्योंकि मैं अपने से ज़्यादा अपने काम के बारे में सोचता हूँ। अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, थोड़ा डिसबैलेंस है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद एक वक्त पे आपको एक सही इंसान का चुनाव कर लेना चाहिए। क्या खासियत ढूंढ रहे हो? कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ होगा। Human enough to understand that you have a great partner to cherish each other's company। क्या मांगू मैं किस बात के लिए मांगू? मुझे लगता है कि हर इंसान यूनिक है सिर्फ, और कौन कंप्लीट है? मैं कंप्लीट हूँ? नहीं। आप कंप्लीट हो? नहीं हो। जो लोग ये देख रहे हैं कंप्लीट है? नहीं, कोई कंप्लीट नहीं। भगवान खुद भी कंप्लीट नहीं। तो मैं क्या कंप्लीट हूँ? मैं क्या देखूँ किसी को? मैं ऐसा समझता हूँ कि सही इंसान वही है जो आपको कहे कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव आएंगे हम साथ में देखेंगे, बस वही ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी डेफिनेशन क्या है? ऐसा तो नहीं है कि कोई शादी हो जाएगी आपका तो आपके कोई काम आसान हो जाएगा, कोई ऐसा तो नहीं है। मैं इतना सेल्फ सफिशिएंट हूँ कि मैं खाना भी खुद बना लेता हूँ, मैं कपड़े भी खुद धो लेता हूँ, मैं पोछा भी खुद लगा लेता हूँ, मैं गाड़ी भी खुद चला लेता हूँ। मुझे किसकी ज़रूरत है? मुझे एक कंपेनियन की ज़रूरत है। जब वो कंपेनियन मेरे पास आ जाएगा जो मेरे को ये ऐसे कहे कि यार जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं हम साथ में देखेंगे, कोई बात नहीं, जो भी आएगा देखी जाएगी। आखिर में अगर आप पे कोई बुक लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? शो मस्ट गो ऑन और डोंट स्टॉप टिल द टाइम यू हैव ब्रेथ इन योर बॉडी, नेवर स्टॉप। Smartest person in the world who can call himself a fool when he is a fool. Richest person who has health.